कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए आपदा प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य बिंदुओं पर जागरूकता फैलाने के लिए स्काउट गाइड के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। इसके तहत गुरुवार को शास्त्री चौक पर दोपहिया वाहनों पर सवार दो लोग और चार पहिया वाहनों में दो से अधिक बैठने वाले लोगों को रोककर उन्हें बनाए गए नियम का पालन करने के लिए जागरूक किया। साथ ही स्काउट गाइड के बच्चों ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दौरान अपने आप को अति आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने अन्यथा अपने घरों में ही रहकर कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जागरूक किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्काउट गाइड की छात्रा खुशबू गौड़ और छात्र आशु चौरसिया ने कहा, मैडम आप हटिए, मेरा खुशबू गौड़ टीएम के उससे आए हैं, स्काउट गाइड से हैं, भारत स्काउट गाइड। लगाया गया हम लोग का ड्यूटी कि जागरूक करने के लिए सबको, जो कि मास्क लगाए, हर जगह जगह पे हम लोग ये पोस्टर लगा रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि सैनिटाइजर लगाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए। मोटरसाइकिल पे एक लोग को जाना है और ज़्यादा चिपक के नहीं बैठना है किसी को, सबको दूरी बनाए रखना है जी। हम लोग का सुबह से शाम तक है ड्यूटी, जो कि सबको जागरूक करने के लिए। वाशु चौरसिया, हम लोग हमारे स्काउट टीम की तरफ से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं एक तरह से, कि जितने भी हमारे लोग हैं जो रास्ते में आजकल जा रहे हैं, तो उन लोगों में हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग कोरोना की इस वैश्विक महामारी में किस तरह से आप लोग जागरूक रहें, किस तरह से अपने आप को बचाव करें। तो अभी जैसे गाड़ी पे ये लोग, कुछ लोग ट्रिपलिंग जा रहे हैं, कुछ लोग डबलिंग जा रहे हैं, तो उन लोगों को बताया जा रहा है कि गाड़ी पे सिर्फ टू व्हीलर्स गाड़ी पे सिर्फ एक लोग जाएं और कार में जो आसपास बैठे हैं सीट के आसपास वो लोग कार में आगे पीछे बैठे रहें और मास्क को पूरे नाक से लेकर गले तक में रखा है, आपको ग्लव्स पहन के चलना है और हर समय थोड़े थोड़े टाइम पे अपने आप को हाथ तो सब धुलना रहना है। थैंक यू।